वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। दोस्तों, जैसा कि EMI से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं दोस्तों, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं IEI की एग्जामिनेशन विंटर 2020 के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक जो ऑफिशियली अपडेट जो है दोस्तों, वो अपडेट कुछ भी निकल कर क्लियर नहीं आ रही है, बट यहाँ पे अपडेट के अलावा एक सस्पेंस इन स्टूडेंट्स माइंड्स आ चुका है दोस्तों। क्योंकि क्या हुआ है दोस्तों कि इग्नू यूनिवर्सिटी ने अपना क्या नाम है शेड्यूल जारी कर दिया है दोस्तों एग्जामिनेशन का, जो कि स्टार्ट होना है दोस्तों 3rd of August से। दोस्तों 3rd of August से जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इग्नू यूनिवर्सिटी यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, जो कि एक डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, उसका एग्जामिनेशन लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों, ड्यू टू कोविड के टाइम में अक्टूबर में उसका भी एग्जामिनेशन हुआ था, और सेम उसी अक्टूबर के टाइम में हम लोगों का दोस्तों IEI का एग्जामिनेशन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में अभी ये बात चल रही है कि सेम द टाइम हम लोगों का क्या होना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन अगस्त में स्टार्ट होना है। बट दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने काफी ज्यादा मेल करके तथा और यहाँ पे कुछ हम लोगों का जो कि ऑफिशियली एक यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर या टेलीफोनिक नंबर है यहाँ पे दोस्तों, उस टेलीफोनिक नंबर से कॉन्टेक्ट करके, जो कि दोस्तों आपको डे में 20 to 30 times कॉल करने के बाद कनेक्ट होता है दोस्तों, उस पर कुछ अपडेट निकल कर आई है जो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसा कि उनसे जो बात हुआ दोस्तों, उनका ये कहना है दोस्तों कि यहाँ पे इग्नू यूनिवर्सिटी के थ्रू जो भी लोगों को एग्जामिनेशन करवाने का जो भी अथॉराइजेशन थ्रू गवर्नमेंट इन पैंडमिक लेना था दोस्तों, ये लोग ले चुके हैं। बट इनकेस IEI दोस्तों, IEI अभी तक ऐसा कोई क्या नाम डिसीजन नहीं ले पाई है ना ही दोस्तों यहाँ पे पिटिशनर जो भी यहाँ पे IEI को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड या दोस्तों जो एग्जामिनेशन होने हैं उससे रिलेटेड कोई भी अथॉराइजेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि कोलकाता में अभी भी लॉकडाउन है दोस्तों, दिस इज द केस। बट यहाँ पे लॉकडाउन दोस्तों, लॉकडाउन इज नॉट अ स्टॉपिंग फॉर टेकिंग एनी एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों जो लैकिंग है वो लैकिंग ऑफ फॉलो अप है दोस्तों, लैकिंग ऑफ फॉलो अप है जो कि IEI के थ्रू यहाँ पे किया जा रहा है। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा स्कूटनी का जो रिजल्ट आना था दोस्तों, स्कूटनी का रिजल्ट जो आना है वो 10th of July तक प्रॉमिस किया गया है कि 10th of July तक हम लोगों को स्कूटनी का रिजल्ट आएगा दोस्तों, 10th of July तक रिजल्ट आएगा। साथ में यहाँ पे दोस्तों जो आज यहाँ पे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फिर से हुआ, उसमें ये बात निकल के आई है कि जल्द ही आपको within 1 week यहाँ पे 7 days दोस्तों कुछ ना कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आई एम पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सेंड ईमेल ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमेल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा IEI है उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा कि एग्जामिनेशंस को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे पॉसिसिव हैं, और वो कुछ ना कुछ इसके लिए दोस्तों आपको आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। साथ में यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जब आप इस मेल पर आप क्या नाम है कोई भी मेल करते हैं और आपको रिप्लाई within 2 days नहीं आता दोस्तों, तो प्लीज़ सेंड रिमाइंडर्स लाइक मी दोस्तों। मैं सेवरल टाइम्स यहाँ पे दोस्तों मेल करता हूँ और साथ में उसके क्या दोस्तों कि रिमाइंडर्स भी देता रहता हूँ, तो दे आर रिस्पॉन्सिंग, ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो रिस्पॉन्स नहीं करें, वो रिस्पॉन्स करें। सो वी हैव टू जस्ट कीप एंड फॉलो अप, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर सकें, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकें थ्रू प्रेशर और विद हेल्प ऑफ IEI। दे वो लोग भी ट्राई करें दोस्तों, बट ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशन ही हैज़ अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसको कि पूरी यूनिवर्सिटी को साथ में स्टूडेंट्स को सफ़र करना फ्रॉम लास्ट 1 year। तो दोस्तों इसके साथ में जो लास्ट में आपको यहाँ पे बता दूँ, इफ दोस्तों कोई भी स्टूडेंट्स आपसे बात करता है फॉर टेकिंग फ्रेश एडमिशन, तो प्लीज़ डायरेक्ट रिप्लाई हिम नो ही, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर लॉसिंग अवर फ्यूचर हीयर, नो चांस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आफ्टर 2020। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि 2020 के बाद वालों का कोई रिकॉग्नाइजेशन हो, चूँकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको पहले से ही स्टॉप करके रखा हुआ है। इट इज़ मेड द क्लियर नो फ्रेश एडमिशन विल बी मेड बाय द पिटिशनर टिल फर्दर ऑर्डर बाय दिस कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इसको स्टॉप किया गया, तो साथ में ही आप उसको किसी को भी सजेस्ट करिए, सो डोंट सजेस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन ही IEI। साथ में दोस्तों यहाँ पे तब एडमिशन लिया जाएगा जब कुछ ना कुछ दिल्ली हाईकोर्ट के से कुछ हमको बेनिफिट मिलने वाला है कि हाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, कुछ अपडेट नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ गिव योर सपोर्ट बाय, विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट आई कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई
दैट पर्टिकुलर सेक्शन IEI दोस्तों, साथ में ही आप मेल करने वाले हैं हमारी इस दी हुई वेबसाइट पर दोस्तों, जो कि वेबसाइट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड IEI की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम इन माई कमिंग वीडियोज, थैंक यू सो मच।